आज के कार्यक्रम में हम खाद्य तेल, खासकर सरसों और सरसों तेल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मई महीने से अब तक खाद्य तेलों की कीमतों में 10-15% तक की गिरावट आ चुकी है। सरसों और सरसों तेल भी इस गिरावट से अछूते नहीं रहे हैं। अंकित जी, मौजूदा समय में सरसों की पेराई कैसी चल रही है और अभी तक आपके हिसाब से पेराई का रुझान क्या रहा है, और साथ ही अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो सरसों तेल की पेराई को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सरसों तेल की पेराई का आप मापदंड ये मान के चले कि मार्च में बहुत अच्छी ओपनिंग हुई थी। इसमें मिड फरवरी से लेके अप्रैल मिड तक इसमें 2 महीने बहुत अच्छी पेराई चली। उसके बाद जैसे जैसे अराइवल कम होने लगी तो चारों तरफ मंडियों में किसानों ने माल रोकना शुरू किया और धीरे 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 अब चूंकि भरपूर अगर अराइवल नहीं आएगी तो प्लांट को सर्वाइव करने में भी बड़ी परेशानी।